हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाले लौकी के कोफ्ते। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आधा किलो की लौकी ली है और उसको मैंने हाफ़ कट कर लिया है। फिर मैं यहाँ को लौकी को धोकर उसके बाद मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी। मेरी वाली लौकी में थोड़ा सा बीज थे, तो आप इसको रख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, तो मैंने इनको अलग हटा दिया था। उसके बाद एक छन्नी में मैंने इसका पानी अच्छे से छोड़ लिया। फिर उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच बेसन मिलाया है। अच्छे से इसके घोल को हमें मिला लेना है। और बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड किया है। जब ये अच्छे से मिल जाए उसके बाद मीडियम आंच पे कढ़ाई को गरम करना है और एक एक करके कोफ्ते को आपको डाल देना है। जब कोफ्ते का कलर ब्राउन हो जाए आप इसको निकाल लें और इसको साइड में रख दें। फिर हम यहाँ पर तैयार करेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से हमें बारीक चॉपर में चॉप कर लेना है। फिर मैंने यहाँ पे जीरा और हींग डाला और उसके बाद प्याज को भून लिया। प्याज भुनने के बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी, जिसमें से आधा चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधे चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और फिर हमें मसाले को अच्छे से भुनना है। जब मसाले से तेल अलग होने लग जाए उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगी एक सीक्रेट, जो कि है बेसन का घोल। आधा चम्मच बेसन और एक कप पानी डालना है और अच्छे से मिलाकर इसमें डाल दें। अच्छे से बेसन को भुनने दें, इससे आपका टेस्ट भी अच्छा आएगा और आपके कोफ्ते ग्रेवी वाले भी बनेंगे। अब जब हमें इसमें पानी ऐड करना है, याद रखें पानी हमें पहले तो हल्के हल्के ऐड करना है। दूसरी बात, हमें पानी थोड़ा गुनगुना ऐड करना है, जिससे इसमें कलर भी अच्छे से आए और खाने में भी टेस्ट बढ़कर आए। पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी डालने के बाद आप इसे 5 से 7 मिनट तक ढक के पकाएं। ढक के पकाने के बाद आप इसमें कोफ्ते ऐड करें। जब आप इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे तो आप 2 से 3 मिनट और अच्छे से पका सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने कोफ्ते डाल दिए और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ भुनी हुई कसूरी मेथी। यहाँ पर हमारी रेसिपी तैयार है। वीडियो अच्छा लगा